रिपोर्टर लैब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लैब में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लैब का सिलसिला। और पहली खबर, जहां पर अवधेश रॉय हत्याकांड मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने सुनाई है। बता रहे हमारे सहयोगी सुनील। MP MLA कोर्ट ने आज बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड के मामले को 32 साल बाद इस पर फैसला सुनाया है, जिसमें मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 1,00,000 रुपए का कंपनसेशन भी मांगा गया है। आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही थी, पहले तो उनको दोषी करार दिया गया, उसके बाद 2 बजे निर्णय आने के बाद उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपको बता दें, आज से 32 साल पहले लगभग देखा गया था कि जब घर के बाहर अवधेश राय अपने भाई के साथ बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी, तो अचानक से कुछ लोग आते हैं गाड़ी में और 4-5 लोग आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। उसके बाद ये देखा गया था, उनको अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई थी। लगातार इस मामले को कोर्ट तक पहुंचाया जा रहा था। और आप बताया जा रहा था कि आपको पता होगा मुख्तार अंसारी के मन में लोगों का कितना डर था, लोग उसकी गवाही देने को तैयार नहीं थे। और 302 के तहत आज ये कार्रवाई हुई, जिसमें उम्र कैद की और फांसी की सजा हो सकती थी, लेकिन उम्र कैद की सजा निकल कर आई है। अब कहीं ना कहीं ये देखा जाए, यूपी में माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, प्रशासन काफी सजग दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल अब इस बात का भी बना हुआ है कि क्या आगे चलकर अगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन 32 साल बाद ये बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड का जो मामला चल रहा था, कांग्रेस नेता थे, मंत्री रह चुके थे कांग्रेस से अवधेश राय, और उनके ऊपर आज जो देखा जा रहा निर्णय दिया है वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने, और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं सुनील चौहान, इंडिया वॉइस, नोएडा। भारत के स्टार पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अपनी नौकरी पर वापस लौट गए हैं। रेलवे विभाग में नौकरी करते हैं। ज्यादा अपडेट्स देने हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने 31 साल पुराने मामले में आज मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 1,00,000 का जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया गया है। आपको बता दें कि 31 साल पुराना ये मामला जो है अवधेश राय हत्याकांड का है, जब कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में मुख्तार अंसारी को जो है वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया था, और आज ये फैसला आया है जिसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को, क्योंकि ये मामला लगातार हाई प्रोफाइल केस था और इसकी पेशी लगातार बांदा जेल से मुख्तार की वर्चुअल पेशी इस मामले में होती रही। और आज जो है वाराणसी की MP MLA कोर्ट में फैसला सुनाया गया, इसके कई बड़े मायने हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी के साथ लगातार जो है इस मामले को लेकर 4 अन्य जो नामजद आरोपी थे वो भी इस मामले में शामिल थे। 4 आरोपियों में से जो 2 थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो अन्य बचे हैं 2, उन पर अभी चंद मिनटों में उन पर भी फैसला आने वाला है कि उनका क्या कुछ होगा, उनको कितनी सजा का प्रावधान है और क्या कुछ उनके हिस्से में आएगा। लेकिन अब ये फैसला आया है तो राजनीतिक सरगर्मियाँ इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। अजय राय खुद जो है उन्होंने कहा कि ये जो है न्यायपालिका पर उनको भरोसा था पूरा, और आज जो फैसला है कहीं ना कहीं न्याय की जीत है, सत्य की जीत है, और उन्होंने न्यायपालिका सहित तमाम जो जनता है सभी का उन्होंने धन्यवाद किया, और इस बात को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त भी नज़र आए कि अब जो है कहीं ना कहीं माफियाओं का खात्मा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार मुख्तार अंसारी इतना बड़ा पूर्वांचल में अपने आप बाहुबली था और उसका बोलबाला था, आतंक का दूसरा नाम था मुख्तार अंसारी, उस पर ये फैसला आना काफी ज्यादा एक बड़ा संकेत होता है, क्योंकि इससे कुछ दिनों पहले ही ओरिजिनल कॉपी जो होती है केस की सुनवाई की वो मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट से गायब करवा दी थी। तो आप सोच सकते हैं, इससे इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार मुख्तार अंसारी अभी भी कितना ज्यादा ताकतवर बना हुआ था। तो अब आज उम्र कैद की सजा ही है सुनाया गया है मुख्तार अंसारी को, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका क्या कुछ कैसे एक पैगाम जाता है आम जनता में, क्योंकि लगातार इस फैसले पर लगातार सरकार और न्यायपालिका भी काम कर रही थी। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। भारत के स्टार पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अपनी नौकरी पर वापस लौट गए हैं, बता रही हैं दीक्षा चौधरी। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपने रेलवे की नौकरी पर वापस लौट गए हैं। फिलहाल इस खबर के सामने आने से कई लोगों ने ये आशंका जताई कि पहलवानों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है। वहीं इसको लेकर साक्षी मलिक ने इन खबर का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमारी लगातार लड़ाई जो है ब्रजभूषण के गिरफ्तारी के खिलाफ वो लगातार जारी है, फिलहाल हम वापस अपनी नौकरी पर चले गए हैं।
इससे पहले के लिए आपको बता दें कथित रूप से पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी थी। साक्षी मलिक ने बताया कि उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ सामान्य रही। फिलहाल इसके बाद भी आपने देखा होगा कि देश भर में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत तमाम पहलवानों को देश विदेश से समर्थन मिल रहा था। इससे पहले भी खाप पंचायत, यूपी पश्चिमी पंचायत हो गई, चाहे किसान हो गए, लगातार वो पहलवानों के प्रदर्शन में साथ रहे। वहीं इस खबर के आने के बाद ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पहलवानों ने क्या अपना पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो क्या वापस ले लिया है। फिलहाल अब देखना और भी दिलचस्प होगा, क्योंकि 9 तारीख तक किसानों ने अल्टीमेटम दिया था दिल्ली पुलिस को कि अगर जांच जारी नहीं हुई तो किसान कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं आपको बता दें ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानों के खिलाफ कई तरह के विवादित जनक बयान दिए थे, जिसको लेकर बीजेपी ने उन्हें पहलवानों के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर साफ इनकार कर दिया था। वही 5 जून को होने वाली उनकी महारैली को अयोध्या में भी उन्होंने रद्द कर दिया था। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर आगे क्या जानकारी निकल के सामने आती है, क्योंकि देश विदेश से भी पहलवानों को समर्थन मिल रहा था, लेकिन एक तरफ रेलवे में नौकरी उन्होंने ज्वाइन करने के बाद क्या ये आंदोलन अब क्या जारी रहेगा, क्या आगे की कार्रवाई रहेगी, ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। कैमरामैन निक्की के साथ चौधरी, इंडिया वॉइस। इधर ओडिशा हादसे के 51 घंटे के बाद वापस से रेलवे ट्रैक एक बार फिर से शुरू हो गया है, रेलगाड़ियां गुजरनी शुरू हो गई हैं। पहली जब मालगाड़ी वहां से गुजरी तो रेल मंत्री ने हाथ जोड़े और कहा कि अभी हमारे काम बाकी है, जो लोग लापता है उन्हें ढूंढना अभी बाकी है। दिनकर आनंद ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद तेजी से परिदृश्य बदलता जा रहा है। बता दें कि अब बालासोर में अप और डाउन लिंक पूरी तरीके से सही हो चुका है, ट्रेन वहां से आने और जाने लगी है। अब तक 7 ट्रेनें वहां से आई और चली गई। आपको बता दें कि जैसे ये दुर्घटना हुई थी उसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार मौके पर उपस्थित थे, लगातार उन्होंने पल पल की जानकारी ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जानकारी अपडेट करते रही। हालांकि अश्विनी वैष्णव विपक्ष के निशाने पर रहे, कई विपक्षी दलों ने उनसे इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ हरी झंडी दिखाना ही दायित्व नहीं होता है, रेलवे का परिचालन को देखना और सुरक्षा व्यवस्था को मुहैया कराना भी रेल मंत्री का काम होता है। वहीं आपको बता दें कि जिस वक्त वहां परिचालन स्थिति सही हो गई, उस वक्त केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारा दायित्व इतना है कि जो लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं उनके परिजनों को, उनके लोगों को, उनको मुआवजा दिलाया जाए और बाकी लोगों को जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही वह रोने लगे, रोते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वहीं आपको बता दें कि अब वहां से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी गुजर चुकी है, फिलहाल परिचालन शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। उधर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से उनकी जो अंतरिम जमानत की याचिका थी वो खारिज हो गई है। अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया को तिहाड़ में ही रहना होगा। बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में 6 हफ्ते की अंतिम जमानत की मांग की थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं उससे इस बात का भी आशंका बनाई रहती है कि वह गवाहों और सबूतों से प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली के उच्च न्यायालय कथित अबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की 6 सप्ताह की अंतिम जमानत याचिका को सोमवार को अपना आदेश सुनाया था। दिनेश कुमार शर्मा की अदालत में अंतिम जमानत याचिका पर फैसला दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी बीमारी पत्नी के एकमात्र देखभाल होने के आधार पर अंतिम जमानत का अनुरोध किया था। मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी। इस मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की 6 सप्ताह की अंतिम जमानत अर्जी पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और LJP अस्पताल में सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट भी मांगी थी। मनीष सिसोदिया ने उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद शनिवार को अपनी बीमारी पत्नी से मिलने के लिए तिहाड़ जेल से अपने घर पहुंचे थे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि तबीयत बिगड़ने का कारण सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा है, जिस कारण से दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी। बाद में सिसोदिया ने अपने ही आवास पर वापस तिहाड़ जेल लौट गए। तिहाड़ जेल में अधीक्षक ने निर्देश दिया था कि वह सिसोदिया को उनके आवास पर ले जाएंगे, जहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का उन्हें अपनी पत्नी
से मिलने की अनुमति होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। बताया जा रहा है मनीष सिसोदिया ने 6 हफ्ते की जमानत याचिका पर सुनवाई करने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि उस तरीके से जिस तरह उनकी जो बीमार पत्नी है, उनकी बीमार होने की जो तबीयत खराब होने का जो कारण भी बताया था, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर है वो अपने गवाहों को भी जो है बातचीत भी कर सकते हैं। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस दिल्ली। हाईकोर्ट से दिल्ली अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी राम जी। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 हफ्ते के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के 2 दिवसीय दौरे पर लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। हम जिस जगह खड़े हैं वो अनस सिद्दीकी जी का मकान है, वहां जो पुराने कार्यकर्ताओं के रूप में जाने जाते हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वहां आए हैं, परिवारजनों से मिलकर अंदर भेंट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हालचाल जान रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी से पहुंचे थे, जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक आर उस्मानी के घर पहुंचे थे, घर में जाके परिवारजनों से मुलाकात की, पार्टी के पदाधिकारियों से मंथन की। वहीं जगह जगह अखिलेश यादव के जो काफिला था, जो करता थे, फूल माला देके हंसी खुशी खुशी की एक लहर देखी जा रही थी। वहीं आपको बताते चलें, अखिलेश यादव जो मीडिया से बात की, मीडिया से बात करने के दौरान अखिलेश यादव का साफ बयान था कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जिस तरीके से जो उनके सांसद हैं वो जिला प्रशासन से पुलिस से भिड़ रहे हैं, पुलिस से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं, जिस तरीके से सरकार चल रही है, सरकार बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज रायबरेली में कई हस्तियों ने शिरकत की, कौन कौन रहा शामिल बता रहे हमारे सहयोगी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद उनकी उपलब्धियों को गिनाने के लिए रायबरेली जिले में कई हस्तियां आज शिरकत की, जिसके क्रम में रेखा गुप्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा और प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला एवं बीरेन्द्र तिवारी जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं वो खास तौर से रायबरेली जिले में मौजूद रहे। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में उन्होंने एक प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों से रूबरू हुई और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं और लोगों के लिए किस प्रकार से वो लाभान्वित लोगों को की हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कोविड के काल से लेकर आज तक की सारी उपलब्धियां केंद्र सरकार की बताई हैं और उन्होंने कहा कि मोदी जी के द्वारा जो कहा गया है कि सबका साथ और सबका विकास, इसी के क्रम में रायबरेली जिले में भी विकास किया गया है, चाहे दिल्ली हो या रायबरेली। उन्होंने साफ तौर पे साझा करते हुए बताया है कि दिल्ली और रायबरेली में कोई अंतर नहीं देखा गया और उनके द्वारा लगातार सब जिलों में समान रूप से विकास का कार्य किया गया है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने फोकस करते हुए बताया है कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है और उत्तर प्रदेश को पूरे भारतवर्ष से सबसे ज़्यादा लाभ मिला है, जिसके क्रम में रायबरेली के लोगों को भी मिला है। बात करें एम्स की और जो इंडस्ट्रियल एरिए हैं उनकी भी बात करें, तो उनके द्वारा कहा गया है कि एम्स एक बड़ी संस्था है और रायबरेली के लोगों के लिए ये एक बड़ी प्रकार से लाभ का एक जरिया रहा है, जिससे लोग कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से लेकर यहाँ लोग आते हैं और कई जनपदों से लोग यहाँ आते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ मिलता है। तो इस तरह से देखा गया कि लगातार रायबरेली जिले को फोकस करते हुए कई महान हस्तियाँ, जैसे इनके साथ में प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला और बीरेन्द्र त्रिपाठी राज्य मंत्री, ये खास तौर से जिले को फोकस किया जा रहा है। बात करें रायबरेली जिले, तो उन्होंने इशारों में सोनिया गांधी पर वार किया है और कहा है कि पिछले 60 सालों में जो केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, वो 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिखाया है। तो इस तरह लगातार वो हमला भी बोली है सोनिया गांधी पर और कांग्रेस पर, और साफ तौर पर अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए लोगों के बीच में साझा किया है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उधर आगरा में 2 पक्षों को लेकर मारपीट हो गई, 2 पक्षों में ये मारपीट जमीन विवाद को लेकर हुई, पूरी खबर क्या है सचिन गुर्जर बता रहे हैं। खबर आगरा से, आगरा में खूनी संघर्ष देखने को मिला। आपको बता दें 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों में लगातार लाठी डंडे चले, वह लगातार ईंट पत्थर चले और वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो खिराड़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो गया। पूरा मामला खिराड़ थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने दोनों पक्षों को अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
लड़ाई झगड़े में दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वह लगातार अस्पताल में इलाज जारी है। इंडिया वॉइस के लिए सचिन गुर्जर की रिपोर्ट, आगरा। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई, बता रहे हमारे सहयोगी। देखिए रफ्तार का जो कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि बदायूं जिले के थाना जो बिसौली है, वहां के कैथिल एक गांव है, जहां पर डंपर ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बदायूं के जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर लाकर भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बात की जब सूचना परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस बदायूं। जालौन से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां पर रेप पीड़िता के पिता ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, बता रहे हमारे सहयोगी विष्णु पांडे। जालौन में आज एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां रेप पीड़िता के पिता ने अपने ही घर के अंदर न्याय न मिलने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं जैसे ही घर के लोगों ने पिता के शव को फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखा तो उनके खिलाफ पुलिस में आक्रोश शुरू हो गया, और जैसे ही इसकी सूचना धीरे धीरे स्थानीय लोगों व ग्रामीणों को लगी तो तत्काल भारी संख्या में स्थानीय लोग व ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। वहीं जैसे ही पुलिस मृतक युवक के शव को फांसी के फंदे पर उतारने लगी तो ग्रामीणों ने पुलिस का जमकर विरोध किया और पुलिस को शव को फांसी के फंदे पर उतारने से मना कर दिया। वहीं जैसे ही इसकी सूचना जिले के आला अधिकारियों को लगी तो जिले के आला अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने में जुट गए हैं। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूरा मामला जनपद जालौन के एट थाना क्षेत्र के ग्राम अकोड़ी बैरागढ़ का बताया जा रहा है, जहाँ अकोड़ी बैरागढ़ में रहने वाली एक महिला के साथ गाँव के ही कुछ लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित महिला व उसके परिजन 30 मई से लगातार थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा रेप पीड़िता की कोई भी सहायता व उन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे तंग आकर आज पीड़ित पिता ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं मौके पर पहुंचे जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इसमें जो भी पुलिस कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद ग्रामीण उन्होंने फांसी के फंदे पर लटक रहे युवक के शव को नीचे उतारा और पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस जालौन। हरदोई में आम तोड़ने पर युवक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा, बता रहे हमारे सहयोगी अनंत त्रिवेदी। नाबालिग बच्चे को आम तोड़ना पड़ा भारी। आपको बता दें बेटा गोकुल थाना क्षेत्र में एक बगीचे में बच्चा गया था आम तोड़ने के लिए, वहीं पे जो बगीचे के मालिक थे वो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने लाठी डंडों से बच्चे को पीटा और काफी ज्यादा उसको पीटने के बाद में बच्चे की हालत नाजुक हो गई। हाँ, हालांकि उस बच्चे को लेकर उस बच्चे के घर भी पहुंचे और उसके माता पिता से, बच्चे के माता पिता से भी गाली गलौज किया है। इस मामले पर जब पीड़ित बच्चे के माता पिता ने पुलिस से शिकायत की, हालांकि इस मामले पर मुकदमा लिख लिया गया है, हालांकि अभी तक इनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। फिलहाल इनकी अरेस्टिंग के लिए भी दबिश डाली जा रही है, ये मौके से फरार हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि इनको कितनी जल्दी अरेस्टिंग होती है और कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। उधर संबल में छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को तालिबानी सजा मिली है, पूरी खबर क्या है बता रहे हमारे सहयोगी। हम आपको बताते चलें कि तालिबान सजा का एक मामला सामने आया है, जहां छेड़छाड़ के आरोपियों को गांव वालों ने तालिबान सजा दी है। अब हम आपको बताते चले कि पूरा मामला हयातनगर थाना क्षेत्र का है। दो युवक जो है किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और छेड़छाड़ के गांव वालों ने देख लिया और देखने के बाद में दोनों युवक के लिए पकड़ने के बाद खम्भे से बांधने के बाद में उन्हें तालिबान सजा दी गई है। उन्हें इतना मारा गया कि किसी ने उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई और इसमें मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया गया। तो लड़की के भाई ने जो है तहरीर देकर बताया कि मेरे पास एक वीडियो, मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, इस इश्यू को लेकर के जो है छेड़छाड़ के मामले में जो है दोनों लोगों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से छेड़छाड़ के
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वायरल होने के बाद में देखा जा सकता किस तरीके से तालिबान सजा दी जा रही है और तालिबान सजा जो है इस तरीके से दी जा रही है कि उन्हें लट्ठों से मारा जा रहा है और गाँव वाले उसे सरेआम देख रहे हैं, देखते हुए नजर आ रहे हैं, सफर सफर तस्वीरों में नजर आ रहा है। अब देखना होगा इसमें पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है और मुकदमा दर्ज किया गया है आगे की क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन प्रसंग के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। अलीगढ़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। अलगड़ीगढ़ के पथवारी मंदिर से चोरों ने घंटा चोरी किया है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडे। अलीगढ़ में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे एक तरफ जहां बदमाशों के हौसले बुलंद आ रहे हैं तो वहीं पुलिस के हौसले कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला थाना इगलास क्षेत्र के एक मंदिर का है, जहां पर एक चोर मंदिर पहुंचता है, दरवाजे पर जाकर पहले भगवान को प्रणाम करता है, उसके बाद में मंदिर में जो घंटा होता है उसको चुरा लेता है। ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो जाती है और पुजारी जब सुबह पहुंचता है तो देखता है कि घटना किस तरह अंजाम दी गई। पुजारी पुलिस को सूचना देता है तो वहीं इसको वीडियो जो CCTV कैमरे से निकलता है इसको भी सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में ये तीसरा दिन है जो इस तरह की घटना हुई है। लगातार 3 दिन से इस तरह की चोरी की वारदातें जो है CCTV कैमरों में कैद हो रही है और शामिल हो रही है, लगातार नज़र आ रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि चोरों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है और जल्दी ये चोर भी गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि इस तरह की जो घटना हुई है इससे हिंदूवादियों में तो रोष है ही है, साथ ही पुलिस की एक जो कार्यशैली है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस अलीगढ़। रिपोर्ट लाइव में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।